का खिलाता है मिंजू हाल अक्षरा का भी से दूर होकर हुआ था, अब उससे भी बद से बदतर हाल अभिमन्यु का होने वाला है, जहां पर अभिमन्यु हर वक्त सिर्फ और सिर्फ अभी को इमेजिन करते नजर आएंगे। यहां तक कि जब अभी रियल में उनके सामने होंगी तभी उन्हें यही लगेगा कि अभी उनकी इमेजिनेशन में है, लेकिन एक्चुअली में अभी जो है वो अभिमन्यु से मिलने पहुंचने वाले हैं। जब अभी अभिमन्यु के साथ थे तो वो अक्षरा से मिलना चाहते थे, अब जब वो अक्षरा मेरा के पास वापस आ गए हैं तब वो अभिमन्यु यानी अपने डॉग मैन से मिलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी की खुशी जो है वो ना केवल अक्षरा और अभिनव के साथ अकेले में है बल्कि तीनों के साथ है, वो तीनों के साथ रहना चाहते हैं जो अभी फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है। वहीं अब हम देखने वाले हैं कि मंजरी माँ अक्षरा के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती नजर आने वाली हैं, अभिमन्यु की खुशियों को लौटाने के लिए कहती नजर आने वाली हैं, जो कि अक्षरा खुद ही नहीं समझ पा रही है कि आखिरकार किस तरह से वो अभिमन्यु की खुशियां लौटाए, क्योंकि अभिमन्यु बुरी तरह से प्रॉब्लम में है, पूरी तरह से उनका दिल टूट चुका है कि वो खुद क्या कर रहे हैं ये उन्हें नहीं पता है। तो अब हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स कि आखिरकार किस तरह अक्षरा अभिमन्यु की खुशियां लौटाएंगी, क्योंकि वही अक्षरा अभिमन्यु पर अभिनव के उनसे दूर जाने का बड़ा इल्जाम लगाती नजर आएंगी। तो आखिरकार किस तरह से वो खुद को इस सिचुएशन से निकालेंगी और अभिमन्यु को भी जाने के लिए साथ, इसकी शुरू क्या क्या देखते रहिए, स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बाय एवरीवन।